क्या बता रही हैं आप? जी मैं मलाजमा के लिए बता रही हूँ। छाइयाँ छाइयाँ जाइयाँ मगर जो और सर्दियों में और बढ़ जाती है छाइयाँ। जी जी बिल्कुल ड्राइनेस ड्राई भी हो जाती। अच्छा देखिए मूली की स्मेल बहुत खतरनाक होती है, अजीब सी आती है, तो इसे आप घबराइएगा नहीं। सीधी सी बात मैं बता रही हूँ, लेकिन इसका ना क्रीम बहुत अच्छी बनती है। जब क्रीम बन जाती है तो स्मेल फिर ये नहीं आती। मैंने क्या किया, मूली का रस निकाल लिया है तकरीबन एक कप। अब इसमें मैं सिर्फ दो चीज़ें मिलाऊंगी, ड्राई मिल्क, अभी एक एक चम्मच डाल रही हूँ, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, ठीक है, भर कर इनको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हल्का सा, देखिए पहले से मैंने इसको गर्म करके रखा है ताकि, पहले तो इसको मिक्स करेंगे ताकि फुटकियाँ नहीं पड़े, ठीक है। फिर इसको मैं हल्का सा गर्म कर लूँगी। आपका मूली जो है उसको अच्छी तरीके से आपने पीस लेना है, ठीक है। बस इसको क्रीमी शक्ल दे दें आप, आपकी बहुत ही अच्छी मलाजमा की क्रीम तैयार हो गई। हल्का सा गर्म करना है ताकि मूली का जो रस है वो मिक्स हो जाए। देखिए हो गई, आप इसको निकाल लें। लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। कॉर्नफ्लावर भी जो है ना आपकी स्किन को, अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है उसके लिए भी बेहतरीन है कॉर्नफ्लावर। जब भी रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं, बच्चों को भी रैशेज़ होते हैं, हम कॉर्नफ्लावर ही लगाते हैं, ठीक है। जब आपके मलाजमा वाली स्किन होती है वो ड्राई पैची और मलाजमा अक्सर जो फार्मूला क्रीमें लगाते हैं उससे भी हो जाती है, और इंटरनल बहुत सारे इश्यूज होते हैं उससे भी हो जाती है। मखसूस आयाम में मेकअप का ज़्यादा करने से भी, मैं नेचुरोपैथ हूँ तो मैं कहती हूँ कि हो जाती है। और नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करना, धूप में जाना, यूवी रेजेस का ख्याल ना रखना, और अगर थोड़ी सी भी हो गई तो हम क्या करते हैं उस पर फ़ौरन ही उसको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, और जो जो आपसे वादा करते हैं कि इतने दिनों में सही हो जाएगी वही वाली चीज़ें आप लगाते हो, उसको फिर आप फैलाते चले जाते हो। लेकिन इसमें लीवर, आपका जिगर बहुत अच्छा ब्लड सप्लाई करने वाला होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट ब्लड वो सप्लाई करे। उसके लिए इस मौसम में साग ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, हर हरी पत्तों वाली सब्जियां ज़्यादा खाएं, उससे भी देखेंगे आप इंशाल्लाह मलाजमा कम होगा। और ऑरेंजेस आए हुए हैं वो भी, देखिए ये क्रीम बन गई। दोबारा से बताएं इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर क्या क्या डाले थे आपने? मूली का रस निकाला था एक कप, उसमें एक चम्मच भरकर ड्राई मिल्क, एक चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर, उसको पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था, वो क्रीमी शक्ल बन जाए उसको हल्का सा चूल्हे पे गरम कर लिया था। तो देखिए ये क्रीम बन गई, जैसे क्रीम बनती है देखिए, सही है, जैसे कोल्ड क्रीम होती है ऐसे ही। अच्छा अब लगानी कैसे है ये बताएं? हाँ बिल्कुल बता देती हूँ। आपने ली जैसे क्रीम लेते हैं इस तरह करके आप इसको लगा लें, मतलब ये तो नजर भी नहीं आ रही है, तो चुप गई बिल्कुल, है ना? मैं बता रही हूँ देखिए, वही ना जैसे मुंह पे लग गया, मैं समझ रही थी वाइट वाइट नजर आएगी, नहीं बिल्कुल नहीं नजर आती। और आप ये एक दफा बना के रखें, तकरीबन 7 से 8 दिन तक बनाएं, फिर जाहिर सी बात है अभी तो मूली का सीजन है, आप आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल आप बिलीव करें, रात को लगा कर सोएं, सुबह जब आप चेहरा धोएंगे आप क्योंकि एक फ्रेशनेस निखार का एहसास होगा, और इससे आपको एलर्जिक रिएक्शंस बिल्कुल नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये देखिए मैंने लगाया है, और इसको लगाने से ना एक ठंडक का एहसास होता है, जो मूली का रस है जो इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है उससे बड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है। और आप इसको अच्छा जिनको लगता है कि भाई आपकी स्किन ड्राई है, पैची है, फट रही है, तो आप इसका डबल कोट भी उस पर ऐसे करके ना मरहम की तरह लगाकर छोड़ सकते हैं। अगर आप ऐसे करें पहले तो आप पैच टेस्ट कर लीजिएगा, और अगर इस तरह आपने कोटेड लगाना है तो पहले 20 मिनट के लिए लगाकर धो लें, आपको कोई रिएक्शन नहीं आता, पूरी रात लगा के रखें, बेस्ट है। जी बिल्कुल बहुत बेस्ट है मलाजमा के लिए। आप 3 महीने इस्तेमाल करें तो तकरीबन 30-40% आपका मलाजमा बेहतर हो जाता है।